मुल्क दुश्मनों का एक और वार, गिलगित में पुलिस चौकी पर हमला, दो अहलकार शहीद, झड़प में एक दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुंच गया। कप्तान 18 अगस्त को शेरवानी पहनेंगे, मिनिस्टर्स इनक्लेव में रहने का फैसला, तकरीब हलफबरदारी में। तहरीक इंसाफ ने पत्ते शो करना शुरू कर दिए, असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली होंगे, चौधरी परवेज इलाही को पंजाब स्पीकरशिप मिल गई, चौधरी सरवर गवर्नरी संभालेंगे। सिंध और केपी असेंबलीज का इजलास भी 13 अगस्त को तलब, तैयारियां मुकम्मल, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी आज कराची में सर जोड़कर बैठेगी, जयाले वजीर आला का ऐलान भी मुतवक्के। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल से हलचल बरकरार, मजीद 4 जाली अकाउंट सामने आ गए, 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले, एफआईए ने रिपोर्ट तैयार कर ली। मस्तूंग धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, खुद कुछ बमबार का बाप भाई और दो साथी गिरफ्तार, कराची में लियारी गैंग वॉर, शाहिद बुकेट ग्रुप का कारिंदा भी पकड़ा गया, 19 अफराद के कत्ल का एतराज। वफादारी बदलने की रंजिश पर गोलियां चल गईं, गुजरांवाला में नून और जुनून में तसादुम, तहरीक इंसाफ का यूसी काउंसलर जा बहक, 7 अफराद जख्मी, 3 लीकी कारकुन गिरफ्तार। कराची में डाकू राज, नाजिमाबाद में सिर्फ 40 सेकंड में 6 शहरियों को लूट लिया गया, सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने दोबारा घर बसा लिया, निकाह की तकरीब लाहौर में हुई, तस्वीर दुनिया न्यूज पर। रिक्शा चलाने के अलावा क्या करते हैं? जी मैं नॉवलिस्ट हूँ, माशाल्लाह मेरी 14 किताबें मार्केट में है। मैट्रिक इसलिए नहीं कर सका कि मेरे पास दाखिला फीस के लिए 40 रुपए नहीं थे उस वक्त। घर अपने नहीं, किराए का घर है, ये सिर्फ एक कमरे पे मुहित है। एक कमरे में सारी फैमिली 7 अफराद? जी हाँ 7 अफराद। इधर पास ही एक मामू का घर है, बड़ी दो बेटियां उधर जाके सो जाती हैं। 14 किताबों के मुसन्निफ, रिक्शा ड्राइवर की सुनी गई, दुनिया न्यूज पर रिपोर्ट नशर होने के बाद पाक फौज के मैगजीन में खिदमात का मौका मिल गया, फयाज माही से मिलकर खुशी हुई, DGISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर का ट्वीट। पाकिस्तान की ये अफवाज के उस मैगजीन में लिखना जो 1948 से चल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। मैं बहुत ममनून हूँ दुनिया न्यूज़ का, अजमल जामी साहब हैं, मजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने मेरी आवाज़ को पूरी दुनिया में अपने चैनल के जरिए पहुँचाया। ने जो कहा सर झुका कर माना, कराची की मवेशी मंडी में बैल की वफादारी से सब मुतासर, नाजों से पले बबलू की कीमत पूरे 5 लाख रुपए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गिलगित दहशतगर्दों का कारगा नाला में पुलिस चौकी पर हमला, दो पुलिस अहलकार शहीद हो गए जबकि एक दहशतगर्द मारा गया है। जराए के मुताबिक दहशतगर्दों ने कारगा नाला में पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में दो पुलिस अहलकार शहीद हो गए जबकि एक दहशतगर्द भी हलाक हो गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं गिलगित से, जहाँ पर दहशतगर्दों ने कारीवार किया है। दहशतगर्दों ने कारागाह नाला में पुलिस चौकी पर हमला किया, इस हमले के दौरान दो पुलिस अहलकार शहीद हो गए जबकि जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द भी मारा गया है। गिलगित से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पुलिस चौकी पर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, इस हमले के नतीजे में दो पुलिस अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया जबकि एक दहशतगर्द मारा गया। अभी शहर कैद से खबर देंगे आपको, जहां नाजिमाबाद में लुटेरे बेकाबू हो गए, 40 सेकंड में 6 शहरी लूट गए। आपको बताएं कि घर के बाहर बैठे 3 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए गए जबकि 3 मोटरसाइकिल सवार शहरियों को भी लूट लिया गया और 5 डाकू ताहाल फरार हैं। नाजिमाबाद में लुटेरे बेकाबू नजर आ रहे हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने थे नुमाइंदा दुनिया न्यूज शामीर से। शामीर कहिएगा, अफसोसनाक सूरत हाल है, क्या कार्रवाई की गई अब तक? हाँ जी बिल्कुल, नाजमाबाद ब्लॉक एन का इलाका है जो डाकुओं का आसान हदफ बना, जहाँ पे घर के बाहर बैठे हुए
तीन शहरियों को जो है डाकुओं ने बआसानी लूटा। सीसीटीवी फुटेज में पांच डाकुओं को दो मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। अहम बात यह है कि ये इतने बेखौफ डाकू थे कि जिन्होंने हेलमेट भी नहीं पहने थे, मुंह भी नहीं छुपाए थे और दिन दिहाड़े आए पहले घर के बाहर बैठे हुए तीन शहरियों को जो है लूटमार का निशाना बनाया, उनसे नकदी और मोबाइल फोन लूटा और फिर रास्ते से गुजरने वाले दो मोटरसाइकिल सवार तीन शहरियों को भी लूटा। बाकायदा तौर पर नाका लगा के जो है ये लूटमार जारी रही। छह शहरियों को दिन दिहाड़े 40 सेकंड के अंदर जो है इनके मोबाइल फोन और नकदी से इनको महरूम कर दिया गया और डाकू बआसानी यहाँ पे इस मोटरसाइकिलों पे बैठ के जो है बआसानी फरार हो गए। पुलिस को भी सीसीटीवी फुटेज जो है मौसूल हो चुकी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ताहाल डाकू जो है वो पुलिस की पहुंच से दूर है। दिन दिहाड़े शहर में शहर कायद में डकैती की वारदातें रोज बार रोज हो रही हैं, लेकिन पुलिस स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने में नाकाम दिखाई दे नाकाम नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शामिर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक बार फिर सर उठा लिया है। मार्केट हो या शहर की अहम शाहराहें, हर जगह जराइम पेशा अफराद धड़ल्ले से। तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई ना कोई हमारे पास पहुंच जाता है और हमसे कैश ले जाता है और इधर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं होता। मेहनत के पैसे होते हैं, हर आदमी को डर लगता है कि यार कोई अगर उससे छीन के चला जाए उसकी मेहनत मजदूरी के पैसे, तो वो तकलीफ तो होती है। ताजिर बरादरी का कहना है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने से कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। यहाँ पे डकैतियां भी होती हैं या दुकानों के ताले भी जो ना टूटे जाते हैं, कोई परेशान हाल नहीं है, तो इस हवाले से हम लोग खासे परेशान हैं। ताजिर रहनुमाओं का मजीद कहना है कि कराची ऑपरेशन के बाद शहर में बत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसे संगीन वारदातें तो कम हुई, मगर स्ट्रीट क्राइम का ना तो खात्मा हुआ और ना ही इसमें कोई कमी वाकई हुई। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से शहरी और ताजिर बरादरी खौफ व हिरास का शिकार है। ताजिर बरादरी का हुकूमत से मुतालबा है कि तमाम मार्केटों में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए ताकि स्ट्रीट क्राइम के वाकयात में कमी वाकई हो सके। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ शिराज अहमद, दुनिया न्यूज़ कराची। और अब कुछ खबरें सियासत के मैदान से, जहाँ कप्तान बनेंगे वजीर आजम पाकिस्तान। हल्फ की जो तारीख है वो 18 अगस्त होगी इंशाल्लाह ताला, जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि इमरान खान सादगी इख्तियार करेंगे और प्राइम मिनिस्टर या पंजाब हाउस में रहने के बजाय मिनिस्टर इनक्लेव में एक आम से घर में रहेंगे। इमरान खान साहब ने फैसला किया है वो वज़ीर आज़म हाउस में क़याम नहीं कर रहे और ना ही पंजाब हाउस में क़याम कर रहे हैं, बल्कि मिनिस्टर्स इनक्लेव में एक आम घर लिया जाएगा जो आम वजीर का घर है और उसी में वो जो है वो रहेंगे। उसमें कुछ मुरम्मत का काम है, शायद उस मुरम्मत के काम तक पंजाब हाउस में उनको क़याम करना पड़े, लेकिन वो अभी बताएंगे। कोशिश यही है कि वो एक खसूसी घर में नहीं जाएंगे। तकरीब हलफ बरदारी। मैं आज पौधे से मुस्ताफी होने का फैसला करता हूँ। अगस्त इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। 18 अगस्त की तारीख मुल्क में जमहूरियत के लिए एक तारीखी दिन है। 10 साल पहले 18 अगस्त 2008 में उस वक्त के आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पार्लियामेंट में मुआवजे की करारदाद से पहले ही इस्तीफा देकर अनाने इक्तदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल किया। 10 साल मुल्क में जमहूरियत का दौर खूब चला और दो बड़ी जमातों ने पहली बार अपनी अपनी जमहूरी हुकूमतों की मुद्दत पूरी की। Except as may be required for the due discharge of my duties as the Prime Minister. May Allah Almighty help and guide me. 18 अगस्त 2008 के बाद अब 18 अगस्त 2018 आ रही है। दिन वही, महीना वही, मगर 10 साल बाद एक तीसरी जमात जमहूरियत को मजबूत करने जा रही है। 10 साल पहले जिस तारीख को जनरल परवेज मुशर्रफ रुखसत हुए, उसी तारीख को इमरान खान अनाने इख्तदार संभाल कर मुल्क में जमहूरियत की नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि 18 अगस्त का फैसला इमरान खान ने खुद किया है। 18 अगस्त 2008 और 18 अगस्त 2018 के हिंसों में फर्क तो सिर्फ एक का है, लेकिन इन तारीखों के दौरान तीन जमहूरी हुकूमतों की तारीख मुल्क में परवान चढ़ती जमहूरियत की गवाही जरूर दे रही है।
تو الیکشن تو ہو گئے، اب باری ہے ایکشن کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگست کو ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی کے اجلاس بھی 13 اگست کو طلب کر لیے گئے۔ پنجاب اور بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کب بلائے جائیں گے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا۔ مزید جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر ممنون حسین نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر 13 اگست کو طلب کیا ہے۔ اجلاس 4 روز تک جاری رہے گا۔ پہلے روز 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ 14 اگست کو سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ 15 اگست کو سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے لیے انتخاب ہوگا۔ 16 اگست کو وزیر اعظم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ طے کیا جائے گا۔ قائد ایوان کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے بجائے ارکان کی ڈویژن کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ سندھ میں بھی حکومت سازی کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 13 اگست کو ہوگا، جس میں 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ 15 اگست کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ اسی روز قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ 16 اگست کو قائد ایوان کے کاغذات کی اسکروٹنی ہوگی۔ 17 اگست کو قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ 17 اگست کی شام میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی 13 اگست کو صبح 10 بجے بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں 113 نو منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی 14 اگست کو سپہر 4 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب 15 اگست کو خفیہ رائے دہی کے ذریعے کیا جائے گا۔ پنجاب اور بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کب بلائے جائیں گے، اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا۔ اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے سیاسی میدان میں بڑے پہلوان اتار دیے۔ اسد کیسر سپیکر قومی اسمبلی اور چودھری پرویز الہی سپیکر پنجاب اسمبلی نامزد کیے گئے ہیں۔ چودھری سرور کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بنی گالا میں اجلاس کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.